नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से, इससे हमें रिसेंट इन्फॉर्मेशन काफी मिलता है सर। और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीजें होती है जो बच्चों ने देखी नहीं होती है, तो हम टीचिंग के दौरान उन चीजों को दिखा करके बच्चों को काफी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है समदो के नजदीक, तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी। जी सर, 8 किलोमीटर तो काफी टाइम तक मुझे मालूम है, सारा पहाड़ी इलाका है। जी सर, बहुत बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मतलब एक फोन पर बात करने के लिए एक दिन चला जाता होगा पूरा लगभग ऐसे ही सर। आजकल ये -5-6 ऐसा रहता है, दिन में थोड़ा सा राइज होता है। जी सर, दिन में थोड़ा सा राइज होता है सर। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई? जी सर, कोई कठिनाई आ गई? जी सर, तो आप ये मोबाइल फोन से आप मदद भी मांग सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। जी सर, लेकिन वैसी परिस्थितियों में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है सर, जो हमारा ये यहाँ पे बरसात के दौरान बारिश काफी होती है, तो यह फ्लडिंग का रहता है। तो उस दौरान पहले तो जी मिट्टी बहुत ज्यादा, ये पत्थर वगैरह लेकर आता है, ये स्टीप जैसा ना ज्वेली। 2010 में सर यहाँ पर 17 हेक्टेयर जमीन दब गई, दब गया खेती योग्य जमीन मलकित। दार्चुला यहाँ नजदीक नहीं पड़ता सर, ये लद्दाख की तरफ होगा, हमारे ये स्पीति किन्नौर की तरफ हो गया थोड़ा सर। तिब्बत बॉर्डर पे जी, वही है अभी जो अटल टनल बना है उससे काफी दूर है। वो लाहौल की तरफ को कनेक्ट करता है, हम स्पीति ब्लॉक है, थोड़ा सा अलग पड़ता सर। जी सर, अच्छा देखिए हमारी सरकार की प्राथमिकता ईज ऑफ लिविंग है, और अब तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज्यादा जोर देना जा रही है। बिल्कुल सर, और इसका बहुत बड़ा लाभ ये दूर सुदूर इलाके समाज में जो आखिरी तबके के गरीब लोग हैं, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा उदय जी, जी आप तो टीचर हैं, जी सर, पढ़ाने का काम भी करते हैं। जी सर, आपको पता है ना कि मोबाइल नेटवर्क आने से आपके आपके विद्यार्थियों के बहुत लाभ होगा। बिल्कुल सर, सरकार के भी ऑनलाइन बहुत चीजें चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, भी फायदा तो आप मोबाइल से बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है कि क्या लाभ होगा? इससे हमें रिसेंट इन्फॉर्मेशन काफी मिलता है सर, और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीजें होती है जो बच्चों ने देखी नहीं होती है, तो हम टीचिंग के दौरान उन चीजों को दिखा करके बच्चों को काफी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा हो रही सर। जी सर, मैंने काफी समय लाहौल स्पीति में काम किया है, आपको तो मालूम है। जी सर, मैं उस समय जब संगठन का काम करता था तो इन सारे इलाके से बहुत परिचित रहता था। जी सर, उस समय एक तो हमारे युवराज थे जो बहुत काम करते थे, हमारा ट्राइबल लीडर रहे हैं। जी सर, फिर हमने कशी दवा जी थे,
जी सर। रशीद दवाई जी भी काफी हमारे अच्छे साथी रहे जी सर, और वो सबको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जी सर। ये बिल्कुल सर, ये जो का स्पेशल बनता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, एकदम ऑर्गेनिक और हाइजीनिक सेवा। जी जी सर, जी सर। देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ इन कठिन परिस्थितियों से मैं परिचित रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि जब हर घर जल अभियान का बहुत बड़ा लाभ लाहौल स्पीति के इलाकों को मिला, सरकार के कॉलेज कोने कोने में पहुंचाने की भी है जी सर। आपको ये खुशी होगी कि हम जो ये विमेंस हेल्थ ग्रुप है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसका जो काम आगे बढ़ा रहे हैं उसका सबसे बड़ा काम, क्योंकि हमारे लाहौल स्पीति में ये हस्तकला की बहुत बड़ी ताकत है जी सर। बहुत बढ़िया चीजें बनाते हैं अपने हम माताएं बहने जी सर, तो इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने की संभावना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे गांव के सभी जन, है नहीं, ये बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है। और इसी तरह का जी सर, नमस्कार सर, नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके यहाँ बड़ा दिन है, धन्यवाद सर। आपको याद होगा मैं दिवाली में भी आया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें दुनिया से जोड़ने के लिए। कोई भी रास्ता कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़े इतिहास की रचना कर देता है जी सर। आज ऐसा ही एक दिन है जी सर, आज का दिन डिजिटल इंडिया अभियान को और गति देने वाला। बिल्कुल सर, आज लाहौर स्पीति के एक दूर सुदूर गांव पहली बार मोबाइल का नेटवर्क पहुंचा है जी सर। इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठिन नहीं है। बिल्कुल सर, कि मोबाइल नेटवर्क पहुंचना बहुत ही बड़ी चुनौती भी था, लेकिन जब मुझे पता चला और जब मैं आपके यहाँ आया था तब भी सभी जमान में लोग बता रहे थे, मैं तो हैरान था, बुजुर्ग माताएं भी इससे परिचित थी कि मोबाइल फोन क्या होता है जी सर, जी सर। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तब मुझे लगा कि मैं जरूर इसके लिए कोशिश करूंगा, वैसे परिवार जन से, क्योंकि वहां से काफी लोग बाहर भी रहते हैं जी सर, तो लोगों को बात करने का मन करता है। बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लगा सुरेंद्र जी आज मेरे से बात करेंगे। सुरेंद्र जी आप करते क्या है सर? मैं टीचर हूँ सर। अच्छा, टीचर।
पाइप कनेक्टिविटी मिली गई आपको गांव को? जी सर। जब आपके गांव में ये मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया, आपको और पूरे गांव के लोगों को एक तो बधाई तो देता ही हूँ, लेकिन गांव का पहला रिएक्शन क्या था? तो सर आपका टीचर है, बढ़िया ढंग से बता सकते हैं। ऐसा था सर, जब हमें पता चला कि मोबाइल लगने वाला है, हम तो बहुत ज्यादा उत्सुक हुए। एक 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 पल तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये असल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा खुश थे गांव वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सब, आपके सोचने से ये हो पाया है। आपका जो विजिट था वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहा सर। जब आपने विजिट किया उसके बाद जैसे ही ये जमीन वाला कागज बना, 22 या 23 दिन के अंदर ये काम युद्ध स्तर पे हुआ सर। आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, एयरटेल का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस काम के लिए सर। बात तो किसी का ठिकाना भी नहीं होगा गांव में। जी सर, बहुत खुशी रहा लोगों को। बहुत खुश है सर, खुशी कोई ठिकाना नहीं रहा सर खुशी का। तो आप गांव के रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप तो जानते हैं जी, हमारे देश में दुनिया में जो बहुत सस्ता पैसा होता है जी, वो हमारे देश में बहुत बहुत कम पैसों में बातचीत होती है जी सर। देखिए मुझे जी, आप तो जानते ही हैं हमारी सरकार बॉर्डर किनारे के जो गांव है पहले उसको आखिरी गांव मानते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, सौजन्य बॉर्डर के किनारे बसे गांवों के विकास पर इतना जोर दे रहे। जी सर, जी सर। पहले की सरकारों ने बॉर्डर इलाके के गांवों को ऐसे उनके नसीब पर जोर दिया था, अब हमारी सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है ताकि देश के बॉर्डर किनारे बसे गांवों में भी साधन बढ़े। और वहां तो ये जो नेटवर्क आया है सर, हमारे यहाँ खास है सर, ये मम्मी है यहाँ पर। हाँ। और ये जो गांव है वाइब्रेंट विलेज के अंदर अंतर्गत आता है सर। जी जी। हाँ जी। और मुझे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट दिवाली में आपको वेलकम है सर। हम आपका इस गांव में स्वागत करते, आपका दिवाली बने तो अवश्य आए सर। अगले दिवाली में सर आपको बहुत बहुत आपका दिवाली का दो टूर यहाँ हो चुका है, तीसरा पक्का करेंगे। आप तो गांव प्लीज आए। दो बार आपके आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, तीसरा रिपीट के लिए तीसरा आपको दौरा भी होना चाहिए सर। 15,000 ऊंचाई पर जी सर, इतने दूर इतने छोटे से गांव में मोदी क्यों जाता है? लेकिन देखिए आपका प्यार है कि आप मुझे तीसरी बार बुला रहे हैं। बिल्कुल सर। आगे रुकेंगे जी सर। आप लोग इसके पहले कहीं फोन पर बात करनी होती थी जी सर, तो कैसे मैनेज किया करते? बिना नेटवर्क तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत समस्या रहता है सर, ये हमें 8-1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से बात करने के लिए। मेन रोड पे सर, मेन रोड की तरफ जाना पड़ता है समदो के नजदीक, तो वहाँ जाकर ही बात हो पाती थी जी सर। 8 किलोमीटर यहाँ तो काफी टाइम लगता है, मुझे मालूम है सारा पहाड़ी इलाका है जी सर। बहुत बहुत टाइम ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।